Hello everyone. In today's session, we are going to study about the parthenogenesis. Clear? It's not a asexual and sexual type of reproduction. We sometimes consider this as a abnormal type of sexual reproduction. So in parthenogenesis, as we know, okay, when we talk about the sexual reproduction, it is what? Sexual reproduction in which the ovum develops into a new individual even only after when it fertilizes with the sperm. Clear? That is the general or normal case generally we observe in sexual reproduction. But if suppose development of a egg takes place without fertilization, then such type of peculiar or abnormal type of reproduction is considered as parthenogenesis, in which the egg cell development occurs without its fertilization with sperm. This is known as parthenogenesis. So next we are taking, what does that mean? So Greek word is there, parthenos means virgin and genesis means origin. Yani ultimately what we can say, parthenogenesis is a virgin development in which there is no fertilization. So first we are taking, that is, parthenogenesis is discovered by a scientist known as Charles Bonnet. Charles Bonnet, he was also known for giving the term phyllotaxy. You must have remembered this. हमने morphology of plants वाले chapter में arrangement of leaf को पढ़ा है, which is known as phyllotaxy. That phyllotaxy term was also proposed by Charles Bonnet. Charles Bonnet के साथ में I want to tell you one important thing also at the same time. चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम भी आपको कभी कोई क्वेश्चन मिल सकता है डीपीपी में. चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम जो है वो एक डिजीज है जिसमें विजुअल हेल्यूसिनेशन होता है. विजुअल हेल्यूसिनेशन इन द सेंस कि उनको वो चीज अवेलेबल नहीं है एट करंट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को फील करते हैं और उस चीज को विजुलाइज करते हैं. बट एट द सेम टाइम द पेशेंट मस्ट बी अवेयर. क्लियर? उसको पता होता है कि ये हेल्यूसिनेशन है और उनको इस बारे में अवेयर होते हैं. तो दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम इज जनरली इज अकर्स ड्यू टू द विजन लॉस की वजह से ये होता है. तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स लिए हैं कि व्हाट इज कंसिडर एज दैट इज चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम हमने लिया है. चार्ल्स बोनेट के नाम से हमने एक और टर्म यहाँ पर स्टडी की है कि दैट इज चार्ल्स बोनेट ऑल्सो गेव द टर्म फिलोटैक्सी. नेक्स्ट फिनोमिनोन ऑफ जब पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल जो है वो पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं. लाइक इंसेक्ट्स है, रेप्टिलियंस है, सम बर्ड्स एंड सम रोटिफर्स ऑल्सो परफॉर्म पार्थेनोजेनेसिस. Here we are taking that types of parthenogenesis, that is of two type. Clear? Parthenogenesis को जब हम देखते हैं तो one it is considered as natural parthenogenesis and the second one is considered as artificial parthenogenesis. Natural parthenogenesis को हम सबसे पहले study करते हैं. The first natural parthenogenesis क्या है? सबसे first important आपको जब ये topic complete हो जाएगा तो आपको एक flow chart बनाना है इस parthenogenesis का, तभी आप इसके sub divisions को अच्छे से learn कर पाएंगे. तो हमने सबसे पहले लिया parthenogenesis. दो type लिए parthenogenesis के, natural एंड आर्टिफिशियल. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस. द फर्स्ट यू हैव टू रिमेम्बर कि जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है एक रेगुलर प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली परफॉर्म होता है, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली एंड नेचुरली उनके लाइफ साइकिल में नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस दिखाई देता है. क्लियर? तो नेचुरली होता है, रेगुलरली होता है, कॉन्स्टेंटली होता है, यानी यही एक मीडियम है उनके रिप्रोड्यूस करने का. दिस नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को वापस हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज कंप्लीट एंड द सेकेंड वन इज इनकम्प्लीट एंड द थर्ड वन इज पैडोजेनिक. क्लियर? तो थ्री टाइप्स का है, इंस्टेड ऑफ टू हम यहाँ पर इसको थ्री बोलेंगे कि जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है उसको आपको एक्चुअली मैक्सिमम जो भी रेफरेंस बुक है उसमें आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट ही दिखाई देगा. बट हमने यहाँ पर एक और टाइप का पार्थेनोजेनेसिस जो नेचुरली ऑब्जर्व होता है ऑर्गेनिजम्स में, वो भी पैडोजेनिक भी लिया हुआ है. पैडोजेनिक
अगर टर्म आपको याद है तो पेडोजेनिक टर्म हमने जो यूज की है वो हमने कहा है कि जब लार्वा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है या सेक्सुअल मैच्योरिटी शो करता है तो उसको हमने पेडोजेनेसिस टर्म दिया है। तो इट इज अ सिमिलर लाइक यहाँ पर भी लार्वा ही इन्वॉल्व है। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को हमने तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कम्प्लीट, इनकम्प्लीट एंड द थर्ड वन इज पेडोजेनिक पार्थेनोजेनेसिस। अब हमारे पास में आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग, दैट इज कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर। अब इसमें आपको दो तीन पॉइंट्स बहुत खास ध्यान रखने की, जो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस है यानी इनमें टोटल लाइफ के अंदर कभी भी सेक्सुअल फेज नहीं आती है और इनके पूरी पॉपुलेशन में कोई भी मेल प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर। पॉइंट ये आ गया कि देयर इज अ ओनली मीडियम पार्थेनोजेनेसिस ही है सेल्फ रिप्रोडक्शन करने का मेथड, सो नो सेक्सुअल फेज इज प्रेजेंट, इवन नो मेल्स आर प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, इसी वजह से इस कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का एक दूसरा नाम आता है ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि यही ऑब्लिगेशन ही है, बिकॉज देयर इज नो सेक्सुअल फेज सो दे हैव टू डेफिनेटली रिप्रोड्यूस थ्रू पार्थेनोजेनेसिस ओनली। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसको आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने लिया है लेसर्टा सेक्सिकोला, ये एक वॉल लिजार्ड है जिसको कोकेसियन वॉल लिजार्ड भी बोलते हैं। आपको दोनों टर्म के नाम से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेसर्टा सेक्सिकोला विच इज अ कोकेसियन वॉल लिजार्ड है जिसके पिक्चर भी हम देखेंगे, एंड देन टाइफलिना ब्रह्मिना। टाइफलिना ब्रह्मिना एक स्नेक है, इसको स्मॉल वॉर्म स्नेक भी कंसिडर किया जाता है। क्लियर। तो ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इस पॉपुलेशन के अंदर आपको सिर्फ फीमेल्स ऑब्जर्व होंगी, कोई मेल इस पॉपुलेशन में प्रेजेंट नहीं होता है और लाइफ में कोई सेक्सुअल फेज प्रोड्यूस नहीं होती। क्लियर। हियर इज द डायग्राम लेसर्टा सेक्सिकोला। क्लियर। ये जो वॉल लिजार्ड है जनरली डेजर्ट एरिया में रहता है और ये कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस शो करता है। देन टाइफलिना ब्रह्मिना एक स्मॉल स्नेक है, ये एक तरीके का, इसको कभी कभी डबल माउथ स्नेक भी कंसिडर करते हैं और वॉर्म लाइक दिखता है इसलिए इसको कंसिडर करते हैं, वॉर्म स्नेक भी बोलते हैं, स्मॉल वॉर्म स्नेक। नेक्स्ट आता है आपके पास में इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, यानी कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस की हमने बात की कि उनके पास सेक्सुअल फेज नहीं होती है और वो सिर्फ एक ही मीडियम पार्थेनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो इनकम्प्लीट में सिचुएशन आएगी कि दे आर हैविंग बोथ द फेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, यानी दो जनरेशन होंगी इनकी लाइफ में। द फर्स्ट जनरेशन इज सेक्सुअल जनरेशन जो नॉर्मल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगी एंड द अदर जनरेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेटिक जनरेशन। क्लियर। तो बोथ द जनरेशन will alternate each other. बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है इसका हनी बी का, जिसको अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो इस वाला पार्थेनोजेनेसिस है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो डिप्लॉइड एग्स होंगे दे विल डेवलप इन टू फीमेल्स। क्लियर। वेर इज जो अनफर्टिलाइज डेक होंगे दे विल डेवलप इन टू मेल्स, यानी आपको अब ये भी बात क्लियर होनी पड़ेगी कि जो हैप्लॉइड्स होंगे मेल्स इसमें हैप्लॉइड होंगे और फीमेल्स इसमें डिप्लॉइड होंगे, बिकॉज मेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस थ्रू अनफर्टिलाइज एग। दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस क्योंकि इनकम्प्लीट है तो आप इसको पार्शियल पार्थेनोजेनेसिस या फिर साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। साइक्लिक इसलिए क्योंकि इस पूरे लाइफ साइकिल के अंदर दो फेजेस एक दूसरे को ऑल्टरनेट फॉर्म में अवेलेबल होंगे। क्लियर। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले हम लेते हैं डिप्लॉइड फीमेल हनी बी। क्लियर। डिप्लॉइड फीमेल हनी बी है, मियोसिस करके गैमेट्स बनाएगी यानी एग्स बनाएंगी। ये एग्स में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्लियर, नो फर्टिलाइजेशन, तब ये एग्स डेवलप होंगे हैप्लॉइड मेल्स हनी बी जिनको हम ड्रॉन्स नाम देते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। क्लियर। फिर आया डिप्लॉइड फीमेल बीज जो है उस मियोसिस करेंगी, सेम लाइक वापस प्रोसेस, एग्स बनाएंगी और जो हैप्लॉइड मेल बीज हैं वो भी स्पर्म्स बनाएंगे, बट उनके स्पर्म माइटोसिस से बनेंगे, देर विल बी नो मियोसिस इन दी हैप्लॉइड मेल बीज। क्योंकि हमने आगे भी पढ़ा था लास्ट सेशन में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने कहा कि मियोसाइट जो है वो मियोसिस करके गैमेट्स बनाएंगी एंड गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, बट इज नॉट कंपल्सरी कि जो मियोसाइट है उसका डिप्लॉइड होना कंपलसरी है। अगर मियोसाइट हैप्लॉइड है तो वो माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। तो सिमिलर लाइक क्योंकि जो मेल हानि भी है वो हैप्लॉइड है।
बीइंग हैप्लॉइड वो मियोसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, वो माइटोसिस करके स्पर्म्स बनाएगा। जब ये स्पर्म्स एग्स के साथ में फ्यूज होंगे तो फिर मिलेंगी डिप्लॉइड फीमेल हनीबीज। तो यहां से क्लियर हो गया पॉइंट कि इनके लाइफ साइकिल के अंदर नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और इनके पास में पार्थेनोजेनेसिस भी है। पार्थेनोजेनेसिस से मेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम ड्रोन्स बोलते हैं, और जो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे प्रोड्यूस होने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो फीमेल्स होंगी एंड दे आर ऑलवेज डिप्लॉयड। क्लियर हुआ? इसीलिए इसको हम हैप्लोइडी डिप्लॉयडी टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं कि यहाँ पर जो जो भी डिप्लॉयड होगा वो फीमेल होगा और जो हैप्लॉइड होगा वो मेल कंसिडर होगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है ये, आप आगे सेक्स डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको यह जनरल थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं हम कि दिस इज अ मैकेनिज्म फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लॉइडी फॉर्म विल गिव राइज टू मेल एंड डिप्लॉइडी फॉर्म विल गिव राइज टू फीमेल कैंडिडेट। क्लियर? नेक्स्ट इज पैडोजेनिक, जो भी हमने आगे पढ़ा, पार्थेनोजेनेसिस। व्हेन पार्थेनोजेनेसिस इज परफॉर्म बाय द लार्वा और शोन बाय द लार्वा देन इट इज नोन एज पैडोजेनिक पार्थेनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल जो है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इसका फेसियोला हिपैटिका का आता है। फेसियोला हिपैटिका जो प्लीटिया हेलमेंथिस फाइलम का मेंबर है, जिसको कॉमन वर्ड में हम लीवर फ्लूक बोलते हैं, उस लीवर फ्लूक की लाइफ में बहुत सारी फेजेस होती है, लार्वल फेजेस। जैसे उसका सबसे फर्स्ट जो लार्वा होता है ना वो मीरासीडियम लार्वा होता है, और जो सबसे लास्ट लार्वा होता है उसको मेटासर्केरिया लार्वा बोलते हैं। तो मीरासीडियम लार्वा से मेटासर्केरिया लार्वा बनने तक बीच में बहुत सारी सब्सिक्वेंट लार्वल फेज आती है। ये लार्वल फेज जो है वो पार्थेनोजेनेसिस से ही प्रोड्यूस होती है। सो व्हेन पैडोजेनिक पार्थेनोजेनेसिस, व्हेन लार्वा परफॉर्म्स पार्थेनोजेनेसिस, एग्जांपल हमने ले लिया, दैट इज लीवर फ्लूक। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो अभी तक हमने तीन कैटेगरी ली है पार्थेनोजेनेसिस के अंदर। नेचुरल के अंदर हमने फर्स्ट कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड पेडोजेनिक पार्थेनोजेनेसिस हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वी आर टेकिंग कि हमने ये जो इनकम्प्लीट और कम्प्लीट टाइप का पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा, इसको हम फर्दर दोनों कैटेगरी को, क्लियर, इन दोनों कैटेगरी को आप फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें आता है हैप्लॉइड और एरेनोटोकस पार्थेनोजेनेसिस। कई जगह आपको एरेनोटोकी वर्ड भी दिखाई देगा, डिप्लॉइड या फिर थैलीटोकी पार्थेनोजेनेसिस। ये दोनों टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, एरेनोटोकी और थैलीटोकी, ये दो टर्म पूछी जाती है। तो हमने इनको दोनों को कंसीडर किया है। क्लियर? कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों पार्थेनोजेनेसिस फर्दर डिवाइड इंटू हैप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी पार्थेनोजेनेसिस। The first we are taking, that is the haploid or arenotoki parthenogenesis. In this parthenogenesis, the haploid eggs, clear, are not fertilized by the sperm and they are going to develop into haploid organisms. So it's clear, haploid organisms are always males होंगे और जहां पर diploid organisms are always females होंगे। Clear? आपको ये बहुत अच्छे से इस चीज को याद रखना है कि जो haploid individuals हैं इस parthenogenesis में, they are always males। कहां देखने को मिलता है? Examples में हम turkey, ticks, mites, बीज एंड वास्प को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। बीज एंड वास्प दे बोथ आर इंसेक्ट्स, क्लियर, एंड वेयर इज जो टिक्स और माइट्स है वो एरेक्निडा ग्रुप के मेंबर्स हैं एंड टर्की इज अ बर्ड। तो दीज थ्री कैटेगरीज को हम जनरली देखते हैं, ये एप्लॉइडी टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं, दिस इज द टर्की बर्ड, हनी बी, वास्प, टिक एंड माइट, दे आर ऑल परफॉर्म एरेनोटोकी टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इन विच देर इज ओ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म विल ऑलवेज गिव राइज टू मेल्स। नेक्स्ट इज डिप्लॉइड और थैलीटोकी पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर? हमने देखा कि यहाँ पर क्लियर पॉइंट डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है कि जो यंग डेवलप्स होंगे वो जिस एग से डेवलप होंगे दैट एग विल बी डिप्लॉइड, क्लियर, बट अनफर्टिलाइज।
क्लियर पॉइंट, दोनों को बहुत अच्छे से समझना। डिप्लॉयडी सिचुएशन है जरूर, बट दिस डिप्लॉयडी सिचुएशन इज नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर, एग्स हैं, डिप्लॉयड एग्स प्रोड्यूस हो गए हैं। ये डिप्लॉयड एग्स जो है वो फीमेल को ही जनरली प्रोड्यूस करेंगे, तो दिस इज नोन एज थैलीटोकी टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। फर्दर हमने इस थैलीटोकी पार्थेनोजेनेसिस को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज अमियोटिक एंड मियोटिक। आप इसका ग्राफ बना दीजिएगा, सॉरी इसका फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, तभी आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो हमने दोनों कैटेगरी, चाहे वो कंप्लीट या इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, हैप्लॉइड या एरेनोटोकी या डिप्लॉइड या थैलीटोकी। फिर इस थैलीटोकी को हमने वापस दो सिचुएशन में डिवाइड किया है, अमियोटिक एंड मियोटिक टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। अब क्लियर देखना, अमियोटिक, अमियोटिक यानी मियोसिस इज एब्सेंट। क्लियर, इसके अंदर जैसे हमने कहा कि मियोसिस में दो बार डिविजन होता है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन जो है उसको हम एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, बट मियोसिस टू जो है वो एक्चुअली इक्वेशनल डिवीजन है, इट इज एज सिमिलर लाइक माइटोसिस। तो इस कैटेगरी में जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है या जो जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं वो टोटली एब्सेंट होता है, बट जो मियोसिस टू है वो एज यूजल ही कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से एंड में जो गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा वो डिप्लॉयड होंगे। तो ऐसे एग्स जो अमियोटिक सेल डिवीजन से बनेंगे उनके पास में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर्स ही प्रेजेंट होंगे, और ये डिप्लॉयड जो एग होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होगा। तो हम इसको डिप्लॉयड के अंदर पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी हमने अमियोटिक ली, यानी मियोसिस फर्स्ट नहीं होता बट मियोसिस टू होता है, जिसकी वजह से डिप्लॉयड एग्स ही एट द एंड फॉर्म होते हैं, और ये डिप्लॉयड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर, मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस एक वो पार्थेनोजेनेसिस है जिसमें यूजुअल या फिर जो नॉर्मल टाइप का पार्थेनोजेनेसिस है वो ओजेनेसिस स्टेज के अंदर होगा, बट एट सम स्टेजेस वी आर नॉट श्योर कि किस स्टेज के अंदर ये वाली सिचुएशन आती है, बट एट सम स्टेज व्हाइल ओजेनेसिस इज गोइंग ऑन तब डिप्लोसिस होता है। डिप्लोसिस मींस डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स नंबर डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाने की वजह से वापस एट द एंड जो गैमेट हैप्लॉइड बनने चाहिए थे वो गैमेट्स यानी जो एग है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड एग्स बनते हैं। क्लियर, दोनों में बहुत ध्यान से आप डिफरेंस कीजिएगा। अमियोटिक के अंदर मियोसिस फर्स्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ मियोसिस टू हो रहा है, विच इज अ इक्वेशनल डिवीजन, तो एट द एंड जो एग्स बनेंगे वो डिप्लॉयड होंगे। मियोटिक में नॉर्मल मियोसिस हो रहा है ड्यूरिंग ओजेनेसिस, बट एक सर्टेन स्टेजेस वहां पर क्रोमोसोम्स के नंबर डबल हो जाते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर डबल होने की वजह से भी जो एट द एंड एग्स प्रोड्यूस होंगे दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड, एंड दिस डिप्लॉयड एग विल डेवलप इन टू अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल। तो इस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस को हम बोलते हैं मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट आ रहा है हमारा फर्स्ट जो है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट हुआ, नाउ वी आर टेकिंग आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। मैं एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया पार्थेनोजेनेसिस, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को हमने तीन सब कैटेगरीज में लिया, द कैटेगरी नंबर वन दैट इज कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस एंड पेडोजेनिक पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर, फिर हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, दैट इज हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस विच इज ऑल्सो नोन एज एरेनोटोकी, और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस विच इज नोन एज थैलीटोकी। क्लियर, थैलीटोकी को फर्दर दो पार्ट्स में सब डिवाइड किया, जिसके अंदर हमारे पास में मियोटिक पार्थेनोजेनेसिस और अमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस आया। ये था आपका नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो पार्थेनोजेनेसिस से ये इंड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्लियर, दीज एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल मेथड से भी इंड्यूस किए जा सकते हैं, और केमिकल मेथड से भी पार्थेनोजेनेसिस आर्टिफिशियली इंड्यूस की जा सकती है। इसमें सबसे पहला जो फिजिकल मीन्स हम लेते हैं, उसमें फिजिकल मीन्स में सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है टेम्परेचर। क्लियर, टेम्परेचर के अंदर अगर एग को टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, उसको 30 डिग्री सेल्सियस से अगर आप उसको 0 to 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर प्लेस कर देते तो एग्स में जनरली पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस हो जाता है।
इलेक्ट्रिक शॉक ये भी पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस कर सकता है एग्स के अंदर। देन पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस करना यानी वो एग देन विदाउट फर्टिलाइजेशन जायगोट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। यूवी लाइट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग पार्थेनोजेनेसिस। एंड दिस इज द लास्ट वन इकाइनोडर्म्स के अंदर ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है फोर्थ नंबर वाला जो हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस और रैबिट्स के अंदर इसकी स्टडी हो चुकी है। इसके अंदर जो एग्स होते हैं उनको प्रिक्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइन ग्लास नीडल जिसकी वजह से उसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस हो जाता है और यंग वंस प्रोड्यूस हो जाता है टोटली पार्थेनोजेनेटिकली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो दीज आर द आर्टिफिशियल मीन्स जिसकी वजह से आप एक्सटर्नल स्टिमुलाई की हेल्प से जो हैप्लॉइड एग्स है उसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में केमिकल मीन्स। केमिकल मीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग पार्थेनोजेनेसिस जैसे क्लोरोफॉर्म है, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सी वाटर्स यूज हो सकते हैं। इनमें क्लोराइड्स ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम ऐसे कैटाइन्स के क्लोराइड्स यूज किए जा सकते हैं फॉर इंड्यूसिंग पार्थेनोजेनेसिस। वेर एज डिफरेंट टाइप के एसिड्स लाइक ब्यूटायरिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड ऑलिक एसिड एंड अदर देन मैनी अदर फैटी एसिड्स कैन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस। सम केमिकल्स लाइक फैट सॉल्वेंट्स, टोल्यूइन, एल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग पार्थेनोजेनेसिस। एंड द लास्ट वन इज यूरिया एंड सुक्रोज, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस जिसमें जो अनफर्टिलाइज डैग है उसके अंदर क्रोमोजोम्स की का बिहेवियर इस तरह से शो होता है कि वो एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। आता है पॉइंट नेक्स्ट की ये जो आर्टिफिशियल अभी हमने मेथड्स पढ़े जिसमें फिजिकल और केमिकल मेथड्स हमने स्टडी किए इनके थ्रू बहुत सारे एग्स को में पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस की गई है और एग्जांपल्स लाइक इकाइनोडर्म्स, मॉलर्स, एनेलिड, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स ऑल्सो उनके एग्स में विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सटर्नल स्टिमुलाई पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस किया हुआ है। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक ले रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस कि हमने पढ़ा कि कुछ पॉपुलेशन पार्थेनोजेनेसिस से ही रिप्रोड्यूस करती है और उनके लाइफ साइकिल में कोई दूसरी स्टेज अवेलेबल ही नहीं है। तो पार्थेनोजेनेसिस की क्या कोई सिग्निफिकेंस है कि जो कुछ जो ऑर्गेनिज्म है ग्रुप है वो सिर्फ पार्थेनोजेनेटिकली ही रिप्रोड्यूस करता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट मेथड आता है इसका कि दिस इज अ मैकेनिज्म। पार्थेनोजेनेसिस जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जैसा अभी हमने आगे पढ़ा हैप्लॉयडी एंड डिप्लॉयडी टाइप्स ऑफ जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हनीबीज में जो हैप्लॉयड होंगे वो डेफिनेटली मेल्स होंगे और जो डिप्लॉयड होगा वो दे विल बी फीमेल्स। देन सेकेंड आता है कि पार्थेनोजेनेसिस जो है वो क्रोमोजोम थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। क्रोमोजोम थ्योरी जो फिर आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विच इज प्रपोज बाय सैटर्न एंड बोवेरी जिन्होंने ये इस बात को प्रूफ किया था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन दी क्रोमोजोम्स तो जो इनहेरिटेंस है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डन बाय द ट्रांसमिशन या फिर हम बोलेंगे कि ट्रांसफर ऑफ क्रोमोजोम फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तो इस बात का प्रूफ भी पार्थेनोजेनेसिस से मिलता है। एंड देन पार्थेनोजेनेसिस एक बहुत ही सिंपल स्टेबल और एक इजी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का क्लियर जिसको अभी हम आगे और थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर देखिए कि पार्थेनोजेनेसिस की वजह से एलिमिनेशन और वेरिएशन होता है। एलिमिनेशन और वेरिएशन होने की वजह से जो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं क्लियर जो यूजफुल कैरेक्टर्स हैं वो कंटिन्यूस ट्रांसमिट होते रहते हैं उनमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं आता तो इसी वजह से ये वेरिएशन को एलिमिनेट करते हैं और जो सुपीरियर कैरेक्टर्स है या फिर जो डिजायर कैरेक्टर्स है वो मेंटेन रहते हैं पॉपुलेशन के अंदर। सेकेंड ये हाई रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन का मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इसकी वजह से पॉलीप्लॉयडी इंड्यूस हो सकती है जैसे अभी हमने कहा नॉर्मल केस के अंदर कि इनके अंदर अमियोटिक टाइप का या मियोटिक टाइप का पार्थेनोजेनेसिस होता है जिसमें जो एट द एंड गैमेट्स बनते हैं वो डिप्लॉयडी होते हैं। अगर सपोज ये डिप्लॉयड गैमेट्स अगर किसी हैप्लॉयड गैमेट्स के साथ फ्यूज हो जाए तो आपको ट्रिप्लॉयड सिचुएशन मिलेगी तो दिस सिचुएशन इज नोन एज पॉलीप्लॉयडी। पॉलीप्लॉयडी का मतलब होता है जब दो सेट्स
से ज्यादा। नॉर्मल डिप्लॉयडी के अंदर दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अगर थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम या मोर देन थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसको पॉलीप्लॉयडी कंसिडर किया जाता है। तो पॉलीप्लॉयडी कैसे आएगा कि 2n एग के साथ में जब n स्पर्म फ्यूज होगा तो 3n आने के चांसेस है, तो इस टाइप इट कैन इंड्यूस पॉलीप्लॉयडी इन दी ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है कि एडवांटेजेस जो म्यूटेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनको ये एनकरेज करता है। अब एडवांटेजेस म्यूटेंट कैरेक्टर्स कैसे आएंगे, म्यूटेंट कैरेक्टर मतलब द कैरेक्टर विच आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन की वजह से जो कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं दे आर कॉल्ड म्यूटेंट कैरेक्टर। और जो एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि हमने देखा है कि जो म्यूटेशंस हैं वो रैंडम होते हैं, क्लियर, वो प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं यानी वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं बट एट द सेम टाइम वो हार्मफुल भी होते हैं। तो जो एडवांटेजेस हुए हैं, जो बेनिफिशियल म्यूटेशन हुआ है, तो ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक बार अगर आ जाए तो क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो वो कैरेक्टर प्रिजर्व हो गए। तो जो एडवांटेजेस म्यूटेंट कैरेक्टर्स हैं उसको वो एनकरेज करता है। और एक और बात, दूसरी बात है कि जब रिसेसिव कैरेक्टर, आपने मेंडल वाला जो चैप्टर पढ़ा था लास्ट टेंथ ईयर टेंथ क्लास के अंदर, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो तभी अपने आप को एक्सप्रेस करता है जब दोनों होमोजाइगस हो। रिसेसिव कैरेक्टर्स जब होमोजाइगस सिचुएशन में हो तभी रिसेसिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर भी अगर मेल के पास में कोई एक सिंगल रिसेसिव जीन आया है तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस करेगा क्योंकि हैप्लॉयडी होने की वजह से सिर्फ वो सिंगल सेट ही प्रेजेंट है, उसका कोई भी काउंटर पार्ट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट पार्थेनोजेनेसिस का कि नॉन अडेप्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, क्लियर, नॉन अडेप्टिव जैसा अभी जो हमने आगे पढ़ा ना एडवांटेजियस म्यूटेंट कैरेक्टर और उसका बिल्कुल अपोजिट हम बोलेंगे नॉन अडेप्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ जीन या फिर नॉन एडवांटेजियस। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो हार्मफुल आते हैं, म्यूटेशन जनरली बेसिकली तो हार्मफुल कैरेक्टर्स को ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से जो हार्मफुल कैरेक्टर्स आते हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं मेनली। म्यूटेशन की वजह से जो भी कैरेक्टर्स आते हैं बेसिकली जनरली वी आर सेइंग इट्स नॉट 100% कि हमेशा म्यूटेशन की वजह से रिसेसिव ही आएंगे, बट ऐसे कॉम्बिनेशन ज्यादा बनते हैं कि म्यूटेशन के जो रिजल्ट है वो रिसेसिव जीन्स में ज्यादा ऑब्जर्व होते हैं। तो जो रिसेसिव जीन है वो मेल्स में जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो हार्मफुल होने की वजह से वो मेल आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जो हार्मफुल कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट होगा ही नहीं। इसलिए जो नॉन अडेप्टिव है यानी जो यूजफुल नहीं है, जो अडेप्टेशन में हेल्प नहीं कर रहे, ऐसे म्यूटेंट कैरेक्टर को चेक कर देता है यानी वो उनको आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास होने से रोक देता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में कि पार्थेनोजेनेसिस के अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअली तो नहीं बोलेंगे बट जिसके अंदर उसको दूसरे मेट या दूसरे स्पर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन सच केसेस कि एक ऑर्गेनिज्म को मेट को ढूंढना और फिर मेटिंग करने के प्रोसेस में जो एनर्जी वेस्ट होती है वो एनर्जी यहाँ पर उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऑर्गेनिज्म के इस बेस पे हम कहेंगे कि जो उनका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो किस में जाएगा, फीडिंग में जाएगा और अपने आप को मल्टीपल कॉपीज बनाने में जाएगा। देन सेकेंड आएगा पार्थेनोजेनेसिस की वजह से जो पॉपुलेशन है उसमें जो स्टेरिलिटी है उसको ये टोटली अवॉइड करता है क्योंकि हैप्लॉयडी हो या डिप्लॉयडी दोनों ही सिचुएशन में फर्टाइल गैमेट्स बनते ही है, तो स्टेरिलिटी के यहाँ पर कोई चांसेस नहीं होंगे। तो दीज ऑल 10 सिग्निफिकेंसेस हमने पढ़ी विच आर रिगार्डिंग पार्थेनोजेनेसिस। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है, फिर भी बहुत कम जो पॉपुलेशन है लिविंग्स का वही पार्थेनोजेनेसिस शो करता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इन दिस स्पीसीज। नेक्स्ट आएगा कि हमने इतने सारी इसके एडवांटेजेस पढ़ी बट इसकी साथ में एक डिसएडवांटेजेस है जो हमने इसके एग्जाम्पल में ही पढ़ी कि ये वेरिएशन को चेक करता है, क्लियर, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में कभी भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रगल जो सर्वाइवल का जो स्ट्रगल होता है ना वो बेस्ट कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है। अगर कोई इंडिविजुअल है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए सर्वाइव कर रहा है तो
तो वही सर्वाइव करेगा जिसके पास में बेस्ट सूटेड अडेप्टेशंस होंगे, जो बेटर बेटर अडेप्टिव कैरेक्टर्स को शो करता होगा. एंड दीज बेटर कैरेक्टर्स जो आते हैं, अडेप्टिव कैरेक्टर, दे आर द रिजल्ट ऑफ वेरिएशन. बट पार्थेनोजेनेसिस में देर इज नो चांस ऑफ वेरिएशन. तो ड्यू टू वेरिएशन आर नॉट हैपनिंग, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ साइकिल, डेवलपमेंटल साइकिल. इसलिए जो इंडिविजुअल्स हैं वो हम कहेंगे कि लेस अडेप्टिव होते हैं एनवायरमेंट के लिए. इसलिए उनका जो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है उसमें जनरली वो काफी पीछे रहते हैं. इसलिए इनका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है. कि एटलीस्ट थोड़े इंडिविजुअल, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज्यादा फेस करना होगा, तो एटलीस्ट कम इंडिविजुअल भी, अगर ज्यादा इंडिविजुअल बनाएंगे तो ही कुछ इंडिविजुअल एक्चुअली अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंच पाएंगे. अगर नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन कम होगा तो ये पॉपुलेशन बहुत ही जल्दी एनवायरमेंट से वाइप्ड ऑफ हो जाएगी. तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इनके जो प्रोजेनी नंबर्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द लिमिटेशंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. ओनली सिंगल लिमिटेशन इज दैट कि दे डू नॉट प्रमोट वेरिएशन, जिसकी वजह से इनका जो सेलेक्टिव अडेप्टेशन है वो बहुत कम होता है. और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जनरली ये फेल हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव फेवरेबल वेरिएशन. इसी टॉपिक के साथ में हमारा ये फर्स्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कम्प्लीट होता है. आपको इसकी डीपीपी मिल जाएंगी, तो मेक श्योर कि आप इस डीपीपी को अटेम्प्ट करें, अपने बोथरा मॉड्यूल को रेफर करें, और साथ साथ में बोथरा मॉड्यूल का जो होम असाइनमेंट दिया हुआ है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए अलोंग विद दिस लेक्चर. तो आपको किसी भी दिन आपका होमवर्क सबमिशन हो सकता है, तो बी केयरफुल कि आप अपना डीपीपीस अलोंग विद आपका होम असाइनमेंट ये अपने लेवल पे तैयार कर दीजिए. और जिनका ये दोनों जो स्टेज कंप्लीट हो जाती है, होम असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है और आपका फर्स्ट आपकी जो डीपीपीस हैं जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, अगर वो कंप्लीट हो जाती है, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स योर, आपके पास जो रेफरेंस बुक्स है उसमें से आप फिंगर टिप्स को सबसे पहले लेंगे एंड देन प्रीवियस ईयर्स को एक बार ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस चैप्टर में से लास्ट ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं, ताकि आपको इस चैप्टर का एक बेसिक आइडिया जो है वो डेवलप हो जाए. उसके अलावा अगर आपको कोई चैप्टर रिगार्डिंग डाउट होता है तो यू कैन कंसल्ट मी एनी टाइम. सो आप इस चैप्टर को एक बार पूरे से पढ़ लीजिए, नोट्स आपके अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए, एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से आप राइट डाउन कर देंगे अपनी नोटबुक में, और प्रॉपर नोट्स बनाकर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.